वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ बनीए गुरसिख प्यारा कुछ शो दे 21वें सीजन दे 5वें एपीसोड। देश विदेश बैठे साढ़े सारे प्यारे ते सूझवान दर्शकों का निघा स्वागत है। अज असी डॉक्टर पुनप्रीत सिंह वालों लिखी एक पुस्तक रिलीज़ करने जा रहे हाँ, अंडरस्टैंडिंग गुरु नानक्स मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग थ्रू रिलीजन। सरदार कुलमोहन सिंह जी, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट मेरे हार्ट दे ए बड़ी एक नेड़े दी पुस्तक। वैसे भी हरजिंदर वीर जी, गल ये है कि जदों असी गुरु नानक साहब की विचारधारा की गल करते हैं, यानी कि गुरु नानक साहब के मिशन की गल करते हैं, थॉट ते फिलोसफी की गल करते हैं, उस वेले आप मुहारे असी ये समझते हैं कि चाहे वह बिजनेस होवे, चाहे वह मैनेजमेंट होवे, चाहे वह किरत नाल जुड़ी गल होवे, चाहे वह विद्या नाल जुड़ी गल होवे, सारिया का केंद्र जिहड़ा है गुरु नानक साहब की विचारधारा है। और उस विचारधारा नूं डॉक्टर पुनप्रीत सिंह जी ने अपनी इस पुस्तक के जिहड़े थीसिस हैं, जो PhD दे थीसिस हैं, उन्होंने किताब की शक्ल दे के अज मनुखता ने एक नवा संदेश दिता है। मैनूं लगता है कि आने वाले समय के विचार ये पुस्तक जिहड़ी है, जिहड़े मैनेजमेंट के विद्यार्थी ने उन्हां वास्ते नहीं, उन्हां विद्यार्थियों वास्ते भी अच्छी साबित होएगी जिहड़े लोग जिंदगी नूं मैनेज करना चाहते। बिल्कुल, जिहड़े लोग अपने शरीर नूं मैनेज करना चाहते, जिहड़े लोग अपने रिश्तियां नूं मैनेज करना चाहते। ये मैनेजमेंट गुरु नानक दी विचारधारा दे नाल जुड़ के तुरदी बहुत। सो असी मुबारक देंदे आ इस प्लेटफॉर्म दे थ्रू डॉक्टर पुनप्रीत सिंह जी नूं ते सारे दर्शकां नूं ये बेनती करते हाँ कि जिथों किधरों भी आप जी नूं ये पुस्तक उपलब्ध होवे, लाइब्रेरीज दे विचों एक वारी जरूर लैके। वैसे हरजिंदर वीर जी, प्रॉब्लम यह है कि अजकल साढ़े पढ़न की जी वो बड़ी सारी जी आदत है, हैबिट है, बदल चुकी है। लेकिन सच जाण्यो, किताब ही इंसान की जिंदगी का सच्चा साथी। असी कहने प्रचार नहीं होंगे, अगर प्रचार ता ही होएगा जो तुम किताब में लवेंगे तो पढ़ा। कोशिश करो जिस तरह हरजिंदर वीर जी ने कहा कि इस किताब में लवो, चाहे लाइब्रेरी तो पढ़ो या कितों भी लवो, पढ़ो जरूर ताकि आप जी भी इसका लाभ ले सको। बिल्कुल, ये जरूर किताब साढ़े जीवन को एनलाइटन करेगी। थैंक यू। आज का एपीसोड असं आरंभ कर रहे हैं एक नवे कंटेस्टेंट को इनवाइट करके, जेड़े हैं सतवंत कौर जी फ्रॉम जमशेदपुर। सदारनी सतवंत कौर जी, आप जी नूं जी आया कहिंदे हाँ, प्लीज़ अपने बारे साढ़े दर्शकों नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सतवंत कौर जमशेदपुर तो योगा कोच हाँ, नैशनल इंटरनैशनल योगा प्लेयर रह चुकी हाँ। रांची वाले पैंजी चरणजीत कौर जिन्हां पासों गुरमुख दी सीख देण वाला गुरसिख प्यारा आओ बनिए गुरसिख प्यारा शो दी जानकारी मिली है। मैं सारी ही टीम दा तहे दिलों धन्नवाद करदी हाँ, जिन्हां ने बहुत लंबे समय तो यह उपराला कीता है। गुरमुख सिख के असी सिखाउणी अमृतधारी कौम बनाउणी, करना सिखी दा प्रचार सारी दुनिया दे विचकार। वीर जी, सिख दा मतलब है सदा सिखण वाला। बहुत बढ़िया। सो साडे दर्शक भी आप जी दी इंट्रोडक्शन सुन के आनंदित होए होंगे। एक योगा प्लेयर हो तुसी, बड़ी अच्छी गल है। सो योगा कोच हो आप जी, योगा कोच हो, बड़ी वधिया गल है। सो असी आरंभ करने जा रहे हैं आप जी दे नाल कंपीटीशन। शॉर्ट इच मैं आप जी नू रूल्स शेयर कर दिया गेम दे, 9 क्वेश्चन से नाल, 5 क्वेश्चन पहले लैवल ते, 1 लाइफलाइन पहले लैवल ते मिलेगी एक्सपर्ट एडवाइस दी। सेकंड लैवल ते 4 क्वेश्चन, 1 लाइफलाइन होर ऐड हो जाएगी फ्लिप द क्वेश्चन दी। अगर आप जी पहले लैवल ते लाइफलाइन बचा के रख लेंदे हो
सैकेंड लैवल से आप जी दोनों लाइफलाइन अवेलेबल हो गई। सो इफ यू आर कंफर्टेबल वी कैन स्टार्ट विद द गेम। हाँ जी वीर जी। ओके जी। सो लो पहला क्वेश्चन हूँ आप जी की स्क्रीन पर आप जी ले आ रहा है। इन विच राग ओनली गुरु तेग बहादुर जी रिसाइटेड द बाणी। किस राग में सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी ने ही बाणी उच्चारण की है। आप जी दे ऑप्शंस ए राग सुई, बी राग तनाश्री, सी राग जय जयवंती, डी श्री राग। केड़े ऑप्शन वाला आप जी जाना चाहोगे। 45 सेकंड्स का समा है। आप जी दी घड़ी जी स्टार्ट हो चुकी है। सी राग जय जयवंती। राग जय जयवंती आप जी कहना चाहते हो। सी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन है जी। लॉक कर दिए कॉन्फिडेंट? हाँ जी वीर जी। ओके जी। लो जी सी ऑप्शन नु लॉक करके असी जानते हाँ कि आप जी का जवाब ठीक है या नहीं। ए बी और डी ऑप्शंस गलत होंगे। सी राग जय जयवंती इज द करेक्ट ऑप्शन। आप जी नु मुबारक। बड़े कॉन्फिडेंटली आप जी गेम दे आरंभ विच ही प्रोसीड कर गए हो सेकंड क्वेश्चन वाले। सेकंड क्वेश्चन हूँ आप जी दी स्क्रीन पर। Whom did ज़करिया खान send to arrest भाई तारू सिंह जी? भाई तारू सिंह जी नू गिरफ्तार करन लई ज़करिया खान किसनू भेजदा है? आप जी दे ऑप्शंस ए सराज, बी उस्मान खान, सी दीवान कोड़ा मल या डी मोमिन खान। आप जी का समा आरंभ हो चुका है। ऑप्शंस आप जी के सामने हैं। बड़े सोच विचार के अपनी मेमोरीज नू रीकलेक्ट करके प्लीज। डी मोमिन खान। डी ऑप्शन नाल जाना चाहते हो? डी मोमिन खान। मोमिन खान डी ऑप्शन। कॉन्फिडेंट हो आप जी? हाँ जी मोमन खान। ओके जी। लो जी फिर साड़ी ड्यूटी है कि असी इस नू लॉक करिए। डी मोमन खान नू लॉक कीता जावे जी। आप जी दा जवाब बिल्कुल ठीक हो गया। डी मोमन खान नू ज़करिया खान ने भाई तारू सिंह जी नू गिरफ्तार करने लिए भेजा। सो तुहानू मुबारक देंदे होए साडे दर्शक भी आनंद माण रहे होणगे घर बैठे। थर्ड क्वेश्चन वाल असी प्रोसीड करते हैं जी। हुण थर्ड क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते तुहाडे लई आ रहा है। इट्स ए ऑडियो राउंड कंप्लीट द नेक्स्ट गुरबानी तुक फ्रॉम भगत कबीर जी स्लोक्स। भगत कबीर जी दे स्लोकां विचों तुसी ये तुक पूरी करनी है। ऑडियो प्ले ध्यान दे नाल आप जी सुनन लई रेडियो जी। हाँ जी वीर जी। गुड। सो लो जी ऑडियो क्लिप पे है की जाए। कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर। क्या जानो किछ हर किया पयो कबीर कबीर। वाओ आप जी ने गा के बड़े मिठी आवाज दे विच तुक पूरी कीती है। देखदे हां कि आप जी ने जो गाया है वो तो ठीक कंप्लीटली सी या नहीं। क्या जानो किछ हर किया पयो कबीर कबीर। बिल्कुल ठीक जवाब आप जी ने देता है। कबीर जी का 8वां श्लोक सी कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर। क्या जानो किछ हर किया पयो कबीर कबीर। मनुखता नू एक बहुत ही डूंगा मैसेज भगत कबीर जी श्लोक राही दे रहे हैं। सो आप जी ने ठीक जवाब दे के क्वेश्चन फोर्थ वाल प्रोसीड कर लिया है। सो हुण आप जी लिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन ते आ रहा है। हु बिल्ट द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ गुरुद्वारा सीसगंज साहिब दिल्ली। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब दिल्ली की पहली इमारत की उसारी किसने करवाई सी? आप जी दे ऑप्शंस हूँ आप जी ले आप जी दी स्क्रीन पे। ए सरदार बघेल सिंह,
बी नवाब कपूर सिंह, सी महाराजा रणजीत सिंह या डी सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया। वीर जी ए दे नाल जावांगी, सरदार बघेल सिंह जी। ए ऑप्शन नाल आप भी जाना चाहोगे, सरदार बघेल सिंह जी। आप जी कॉन्फिडेंट हो तो असी लॉक करते हाँ, क्योंकि कड़ी बड़ी तेजी के नाल अगे बढ़ रही है। सो सरदार बघेल सिंह ऑप्शन ए ऑप्शन है जिहड़ी कि वह सरदारनी सतवंत कौर जी के मुताबिक लॉक की जाए जी। देखते हाँ कि उन्हों का यह जवाब ठीक है या नहीं। एंड इट्स ए वेरी करैक्ट आंसर। सरदार बघेल सिंह जी ने गुरद्वारा सीसगंज साहब की पहली इमारत की उसारी करवाई जदों उन्होंने इत्थे दिल्ली दे विच लाल किले के उपर निशान साहब लहराया सी जित प्राप्त करके। सो असी वधांगे जी फिफ्थ क्वेश्चन वाल, जेड़ा कि लैवल वन का लास्ट क्वेश्चन है। सदानी सतवंत कौर जी बिना कोई लाइफलाइन ले फिफ्थ क्वेश्चन तक पुज गए हैं, तो देखते हाँ कि अगे वो किस तरह प्रोसीड करते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन सदारनी सतवंत कौर जी लई, उन्हां दी स्क्रीन तैयार है। विजुअल राउंड, आइडेंटिफाई द सिख परसनैलिटी। सिख शख्सियत की पछाण करनी है सतवंत कौर जी। आप जी के सामने एक इमेज हूँ आ रही है, बड़े ध्यान दे नाल अपनी सारी मैमोरीज नू रीकलैक्ट करके आप जी ने जवाब देना है। सो लो आप जी लई, आप जी इमेज देख पा रहे हो और समा आप जी का शुरू हो चुका है जड़ा कि 45 सेकंड्स है लेवल वन। डॉक्टर सवनीत सिंह चुग, आप जी कहना चाहते हो इन्हों बारे कुछ जानते हो आप जी? जी डॉक्टर ने, ये डॉक्टर जिस तरह आप जी एक योगा टीचर हो इस तरह है डॉक्टर। वेरी गुड। सो आप जी ने भी हम साडे दर्शक देश विदेश जड़े बैठे हैं वो पहचान गए होंगे। सो देखते हैं जी आप जी का जवाब ठीक है या नहीं। प्लीज़ जवाब दसिया जाए जी कि सतवंत कौर जी का जवाब ठीक है। एंड इट्स ए करैक्ट आंसर, डॉक्टर सवनीत सिंह चुग। इन बारे असी अपने दर्शकों सांझ पा ली हैं। ही सर्वड एज ए फैकल्टी मैंबर एंड नो एज ए प्रोग्राम डायरेक्टर, प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ एडल्ट नेफ्रोलॉजी फेलोशिप ट्रेनिंग एट वेस्ट चेस्टर मेडिकल सेंटर। Dr. Chug is the recipient of multiple awards for excellence in teaching residents and medical students at Westchester Medical Center and New York Medical College. So, Dr. Savneek Singh ji nu assi apni team valo vi mubarak dende ha unhan diyan praptiyan layi. So, a Sikh achievers saadi qoum layi ek maan da karan bande han. So, असी मुबारक दे रहे हैं सदारनी सतवंत कौर जी नूं जिन्होंने लैवल वन कंप्लीट कर लिया है ते वो प्रोसीड कर गए हैं लैवल टू दे विच। पर असी अपने दर्शकों को इत्थे एक छोटा जिहा ब्रेक लै रहे हैं। ब्रेक दे विच एक ऑडियंस क्वेश्चन आप जी लई आ रहा है। आप जी इसका जवाब अपनी फोटो अपने नाँ और सिटी नेम दे नाल सानू जल्दी दे नाल लिख भेजो ताकि आप जी अपनी फोटो नैक्सट वीक टीवी दे उपर व्यू कर सको। मेरे को एंकर सरदार कुलमोहन सिंह जी आप जी दे नाल और सदारनी सतवंत कौर जी दे नाल गेम नू कंटिन्यू रखणगे। ऑल द बेस्ट सदारनी सतवंत कौर जी। रफ्तार भरी जिंदगी विच जरूरत है समय तो अग्गे रहण दी, तरक्की दी राह ते साथियां नु नाल रखण दी। कॉन्फिडेंस है दुनिया सामने हर रूप दे विच खड़े होण दा, ते कॉन्फिडेंस मिलदा है सिमको तो। सिमको सुप्रीम हेयर फिक्सर, सिमको क्लासिक हेयर फिक्सर। पर्सनालिटी नु निखारन वाला भरोसेमंद साथी, इसलिए आज भी अ नेम यू कैन रिलाई अपॉन सिमको। समीर, वाओ,
Just point and move. Specialist LED TV. Smart features के साथ. मैं महंगा होगा. खुद देख ले. बेहतरीन पिक्चर, स्टाइलिश डिजाइन, 3 साल की वारंटी. Viber, the LED TV specialist. When it's about style, it's Simcoe. Simcoe Swift Power Hair Spray in Mega Strong, System Professional and Ultra Strong. Simcoe Swift Power Hair Spray. Style begins with it. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ऑडियंस क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट टर्बन सिख एजेंट अपॉइंटेड बाय फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन USA। आप जी अपने जवाब स्क्रीन ते लिखे प्रोसीजर अनुसार सानू भेज सकते हो। धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ब्रेक तो बाद दर्शकों का आओ बनिए गुरसिख प्यारा प्रोग्राम विच असी मुड़ तो स्वागत करते हाँ। ब्रेक ते जान तो पहला मेरे को एंकर वीर हरजिंदर सिंह जी इस प्रतियोगिता चला रहे सन, और प्रतियोगिता दे विच साडे प्रतियोगी सन सरदारनी सतवंत कौर जी। सो प्रश्नों की लड़ी शुरू करन जा रहे हैं। तो लैवल 2 दा पहला और 6वां प्रश्न इस प्रतियोगिता दा आप जी दी स्क्रीन ते। When was प्रोफेसर साहिब सिंह जी बॉर्न? प्रोफेसर साहिब सिंह जी दा जन्म कदों होया? ऑप्शंस ए 16 फरवरी 1892, 16 फरवरी 1896, 14 फरवरी 1892, 16 फरवरी 1890। समा शुरू हो चुका है, लेकिन वादा भी हो गया 15 सेकंड का, ध्यान रखना, वादे का फायदा लेंदे लेंदे लेट ना हो जाना। बहुत अच्छा खेल रहे हो वीर जी। मैं ए दे नाल जावांगी 16 फरवरी 1892। ऑप्शन ए नू लॉक किया जावे 16 फरवरी 1892। जे तुसी ऑप्शन बी सी डी नाल गए हुंदे सतवंत कौर जी इस प्रतियोगिता तो बाहर हो जाने थे। लेकिन तुसी ऑप्शन ए यानी कि आपने ठीक उत्तर दिता, मुबारक होए, और आप जी ने सही समय च रहिंदे होए उहदा उत्तर दे के इस प्रतियोगिता अगे वध्यो। प्रोफेसर साहिब सिंह जी का जन्म 16 फरवरी 1892 नूं होया सी, 1892 16 फरवरी। सो मुबारक। अगला प्रश्न आप जी दी स्क्रीन ते सतवंत कौर जी। विच सिख गर्ल हैज वन गोल्ड मेडल फॉर सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन ग्रेजुएशन इन बायोकेमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज एफिलेटेड टू सियालकोट यूनिवर्सिटी? केड़ी सिख लड़की ने सियालकोट यूनिवर्सिटी नाल संबंधित सरकारी कॉलेज विच बायोकेमिस्ट्री ग्रेजुएशन विच पहला स्थान प्राप्त करके सोने का तगमा प्राप्त किया है? ए परमिंदर कौर, बी हरसिमरन कौर, सी मनजीत कौर, डी हरसिमर कौर? बी हरसिमरन कौर। बी नू लॉक किया जावे जी। रहिंदे समय च जवाब दिता है, देखदे हां ठीक है कि गलत है। सतवंत कौर जी ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸੀ ਔਰ ਡੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਪਏ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਔਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ, ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਕਿਆ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਡਾਊਟ ਸੀ ਥੋੜਾ ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਟ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9, ਇਸ ਦੇਅਰ ਔਨ ਵਿਚ ਅੰਗ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9 ਕਿਸ ਅੰਗ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ? ਅੰਗ 1426, 1428, ਅੰਗ 1426 ਤੋਂ 1429, ਅੰਗ 1426 ਤੋਂ 1430, ਅੰਗ 1425, 1429। ਜਲਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, 20 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅੰਗ 1426 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1429 ਤੱਕ। ਸ਼ੋਰ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਪੱਕਾ ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੌਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 1426 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਔਰ ਹਾਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਐਸੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਬੋ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਔਰ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਓ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ 20 ਜਿੰਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋ। ਸੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।